आज के हमारे धरने के अध्यक्ष बहुत जाने माने चेहरे, कैसे कहा है किसान आंदोलन बहुत सक्रिय चेहरे। आज के हमारे धरने के अध्यक्ष रहेंगे आदरणीय श्री रामचंद्र जी गुटपुर गांव से, और मेरे गले शीला जो जुलानी की है वो मौजूद है। रामचंद्र जी गुटपुर से राम राम, और एक बार प्रधानमंत्री से भी चाहेंगे की एक बार आगे आज के धरने की कार्रवाई शुरू करने की हमें आज्ञा दें। अनुमति दें आदरणीय रामचंद्र जी। कोई भी चीज सफल करने के लिए ना समय लगता है, और वो समय की सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते हमने भी लगन लग गया भाई हम सफल होंगे। पिछले 10 महीनों से लोगों को बैठे पहले सरकार रूपा जी हम नहीं झुकते, मैं बता दूँ सरकार ने पहले तो झुकाए हिसार में, हिसार जो कांड करे वहाँ हमने सरकार को आगे बढ़ाया। उसके बाद किया टुवाणा में, टुवाणा में रात में 12 बजे हमने जेल के दरवाजे खुलवा दिए थे, कोर्ट खुलवा दी थी बिल्कुल। उसके बाद किया सिरसा में, सिरसा में भी सरकार ने दिन में सर्वावधि रात में अंधेरे में केस वापस लिए हमारे भाई के उसके बाद सरकार जो सीएम सिटी को आया करती और खट्टर ने बड़ा नाच था कि मेरी सिटी में किसान नहीं पैदा हो सकते, और तो हमने वहाँ भी सीएम साहब को ये दिखाया भाई किसान तो हर जगह पैदा हो सके, और किसान परिवार इतना बड़ा हो गया है जहाँ उन्होंने क्या करता मेरी नाड़ में सरिया को काट लिया जी, कि नाड़ का सरिया भी काट दिया, और रात में दिन में शर्म आवा जी रात में हमारे किसान भाइयों के साथ समझौता भी किया और घुटने के बल भी आया, और उसके बाद तुरंत उदाहरण मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फैसला होते और अगले दिन दूसरा की परिवार को बीमार हो गया, तो अब ये देखो किसानों की ताकत कितनी बड़ी है, फैसला होते तुरंत होते बीमार हो गया, पहले हमको नहीं आया, पहले हमको नहीं होया बीमार। तो मैं सरकार ने बताना चाहूँ किसान जागृत हो चुके हैं और अपने हकों के लिए अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें हम जीत गए जाओगे वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, सभी से पुनः निवेदन है कि जो साथी पूछे कर रहे हैं वो दिखाई दिया है, पहले सरकार रुक गई थी भाई हम बात नहीं करना चाहते, और उसके बाद सरकार मतलब थोड़ी 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 नूनी क्या करे भाई एकदम झुकेगी तो अपने वर्ग के झुकेंगे भाई एकदम मना लिए, सरकार भी अपनी इज्जत रखना चाहते हैं। उदाहरण जैसे मोदी जी अमेरिका में गए थे वहाँ देखा होगा आपने हमारे भारत बात मैंने वहाँ भी उनको काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाकर और उसकी ऐसी बेइज्जती की है, मैं क्या करें इज्जत आला तो समझ दिया बिना इज्जत आला के समझेगा, और जिसकी उतर गई लोई के करेगा कोई, मोदी की तो लोई उतर गई किसानों की कोनी उतर रही, वो जहाँ शांतिपूर्ण बैठे हैं और अपने इज्जत के साथ अपने कानूनों को वापिस करवा कर है, और जब वापिस जाएंगे जो 650-700 मेरे किसान भाइयों की शहादत हुई है ना उसको बेकार नहीं जाने देंगे, उसको इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वो भी जीत के साथ लिखा जाएगा, ये मोदी जी को बताना चाहते हैं हम। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये भी सरकार के साथ बातचीत करने के लिए हम लगे हुए हैं, सरकार चाहती तो है बात करना लेकिन वो मतलब इस असमंजस में है किस तरह से बात शुरू की जाए, क्योंकि बीच में 10 महीने होने के बाद उन्होंने शुरू में 11 बार तो बात की है 1-1.5 महीना, उसके बाद कोई बातचीत नहीं की, अब सरकार झुकने तो वाली है लेकिन सोच रही है कैसे झुका जाए, कैसे मैं किसानों के साथ आमना सामना करूं, कैसे बात करूं, क्योंकि उसको सिर्फ ये था भी अडानी अंबानी को सब कुछ ने दे दिया वहीं से तेरा काम चल रहा है किसान उठेंगे नहीं, वो ये भूल चुका था किसान को हम जबरती है ना तो सब कुछ चुका देती है, जैसे शिवजी की तीसरी आंख खुलने के बाद प्रलय आई थी ना ऐसे ही किसान को मुक्त चुकी है, और पूरे भारत में प्रलय आई हुई है, यहाँ पर सिर्फ मतलब ऐलान करना बाकी है राष्ट्रीय शासन लागू होगा और उसके बाद हमारे कानून वापिस होंगे, सरकार को हम बताना चाहते हैं पीछे हम भी हटने वाले या तो जीत के जाएंगे या यहाँ के लाश ले जाएंगे। आपका भी देखो मैं भी जो है विरोध होना शुरू होता है या तो आपसे मैं रहते जाते वरना आपका
अभी देशों में भी कहीं बाहर ठिकाना नहीं मिलेगा चाय बेचने के लिए भी। मैं या तो टाइम रहते जाग जाओ, वरना ये किसान आंदोलन का तो आंदोलन यही बात है कि जितना लंबा चलेगा ना उतने हमारे मुद्दे सोल्व होंगे और हमारा आंदोलन उतनी मजबूती पेश करेगा। आज तक इन्होंने 10 महीनों के किसानों का सिर्फ उकसाने का काम किया मोदी सरकार ने। कहीं पर सिर फड़वाए, हमारी माताओं के सिर फड़वाए इसने, बुजुर्गों के सिर फड़वाए। कर्नाड में हमारे 70-70 साल के बुजुर्गों पर इन्होंने 4-4 राउंड लाठी चार्ज किए। तो शर्म लिहाज तो है नहीं सके सरकार का। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना वो असर करेंगे एक गरीब किसान मजदूर आपका कि आपको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा बैठने के लिए। कौन सी पार्टी में जाना चाहोगे? पार्टी तो कौन सी नहीं, सारे किथे लिखे चट्टे बट्टे हैं। 70-75 साल हो गए पार्टियां परिवर्तन होती आ रही है लेकिन किसी ने गरीब किसान मजदूर का कोई विकास नहीं किया। जिताना चाहोगे? जिताना तो जो हमारे संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान होगा ना उस पर हम कार्य करेंगे लेकिन किसी भी पार्टी के लिए हम कोई वोट नहीं मांगे, करना देने देंगे, विरोध करेंगे इनका सरासरी। और भाजपा और जनता को तो कहीं भी घुसने नहीं देंगे। इस चौटाला परिवार राजा चौटाला ये कहते हैं ना कि मेरे बेटा किस बात का इस्तीफा देवे, हमने तेरे बेटे के इस्तीफे की जरूरत भी नहीं है। अब तक जहाँ चौटाला परिवार गाँव में घुसेगा ना जूतों की मोड़ा डाल के उसका इलाज करेंगे। नस्ल फसल की लड़ाई है और सरकार बनाने सरकार तो पर्चियां की बना है। ये तो हमारा दादा दादा ही अक्स है इसलिए हम सोचा नहीं आड़ जब बेच गए नहीं किसान मजदूर। जो किसान मजदूर बिना तो मेंबर भी नहीं बन सकता। तो यह तो के हुआ, ये तो ये किसान यो सरकार तो एक के थाली की चट्टे पट्टी है सभी। 11 महीना लग गया किसान आंदोलन में, 11 महीना लग गया तो 2024 आ जाओ तो हमारा आगू वापिस नहीं हो जाएगा। इतना हमारा तो उठा को नहीं इस सरकार ने बजाय की रोड सरकार यार तुम्हारा आंदोलन ना सीधा सरकार की यार कोई है नहीं ना कोई पलती बाजू सीधे किसान मजदूर बैठे हैं अपना हक हमारे ये तीनों काले कानून रद्द कर दो। MSP पर गारंटी लेके दे दो, मूठी बोझ की दे दो, हम अपना घर देख जाए। हमारे तो लड़ाई नहीं कुछ, हम तो अपना हक खातिर लड़ा हाँ। जब यू को 15 लाख रुपया आवेंगे तारन मारे बालका नौकरी कौन दिंदा, मारे बालका स्कूल बंद कर दिए या धक्का क्यों चेप पाए, मारे बालका नौकरी चेप दे मारा धक्का है तो हमने नहीं ला लिया, हम तैयार बैठे हैं। तो ये हमारी जमीन खाली क्या बेचना हम तो यह बात कहा सरकार ने कहा तो समझ जा जब कुर्सी पर आम बिठाने जाना है ना आम ऊपर तक गिरन भी जाना है। 500-600 का लगभग किसान शहादत को हो गए मतलब हो गए हो गए तो आम उनके हुआ शायद बेकार कौन जान दे हम उनका पूरा काम करके ना जब घर जावांगे सरकार का मर गया तो गया हमारी तो बेल बद दी है वो इतने मरेंगे मारे तो इतने पैदा और यह सरकार का कोई मर गया तो मुसी तक भी नहीं इनका तो कोई मंडी है 4 ईंट लगेंगे इनका कुछ कोई और है नहीं कुछ। अच्छा कोई नुकाद है ये तो कांग्रेसी कोई नुकाद है कोई ये तो उग्रवादी है। मैं जींद में भी एक ताऊ तो पूछू थी कि भाई आंदोलन का कितना असर है, ताऊ ने बोला कि भाई ये तो सारे शराबी किसान है आपके तो वो ताऊ से कहा होगा चुटाला का ऐसे हमें इन पार्टियां ही कहेंगे वहां कैसे कहे नहीं खटखट टोल पर सारे टोला पर नजर पसार लो देख कितने आदमी किसान मजदूर गरीब मानस बैठे हाड़ किसान मजदूर सिर्फ घंटा रोटी खाने वाला हाड़ वो थाली में चट्टे पट्टे खाने वाला नहीं है कोई मर। ये कह रहे हैं कि शराब पी के बैठे हैं तो ठेके बंद करो ना, ठेके को बंद करो, अपनी जेब से पीते तुम्हारी जेब से नहीं पीते शराब भी। अगर आप ये बोल रहे कि स्कूल तो देखो स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने, ठेके खुले रखे और ऊपर से ये बोलते हैं कि ये तो शराब पी के बैठे। अरे क्या मैं कहूँगी कि इन दुष्टों की तरह देश तो नहीं बेचा ना, अपनी जेब से अपने पैसे खर्च करके पीते हैं तो एक बात है वो नुका शराब पीवा है ये नुका शराब पीवा जब ये ठेके जमा बंदे कर देंगे तो कड़क ना तुम्हारे पैसे लागन ना हमारा कोई शराब पीनिया रहो है तो ये नाश तुम्हारा ये कर रहे हैं मतलब आंदोलन पर डटी हो बिल्कुल डटे हुए हैं। मोदी जी को बताना चाहती हूँ चाय की केटली हाथ में और जोड़ा में भी मशीन गाल कर भारत का बार भगाएंगे उन जान को देंगे केतली दोबारा हाथ में देनी है चाय वाली। अच्छा जिला में देखा था हमने कविता प्रियंका और शीला जिलानी मेरे गले 3 किसान आंदोलन में सक्रिय चाह रहे हैं ये इन्होंने जो कुछ क्या सुन गया होगा तारा के विचार है तो हमने कमेंट में जरूर बता दो मैं फिर मिलूंगी तब तक के लिए राम राम।